अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हेल्दी प्लेट बाय एसएम में एक दफा फिर से आपको वेलकम कहते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बहुत ही ज्यादा मजे की चिकन ग्रेवी की रेसिपी, जिसमें कोई ज्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं डलते और बहुत जल्दी बन जाती है। तो हम चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। सबसे पहले हमने लिया है चिकन, तकरीबन 1 किलो से थोड़ा सा ज्यादा चिकन है, नॉर्मल साइज की इसकी बोटी करवाई हुई है। दही चाहिए होगा हमें 1 छोटी प्याली। इस दही को हम अच्छे से फेंट के फिर इस्तेमाल करेंगे। टमाटर 3 बड़े साइज के टमाटर लिए, जिसे मैंने गर्म पानी में डाला, छिलका उतार लिया और उसके बाद उसकी अच्छी सी पेस्ट बना ली। कुकिंग ऑयल चाहिए होगा तकरीबन 5-6 टेबल स्पून। इसमें कुकिंग ऑयल हम थोड़ा सा ज्यादा इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमने चिकन को पहले फ्राई करना होगा। सब्ज धनिया हम लास्ट में डालेंगे, इसे मैंने, गर्मी बहुत ज्यादा है तो इसे मैंने काट के पानी में भिगो दिया वरना ये खराब हो जाएगा। सब्ज मिर्चें 2 में साबुत इस्तेमाल करूंगी और साबुत के बाद 2 ही थी जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया। सफेद जीरा चाहिए होगा तकरीबन हमें 1 टेबलस्पून के करीब। खुश्क धनिया का पाउडर 1/2 टीस्पून और हल्दी 1/2 टीस्पून से भी थोड़ी सी कम। लहसुन का पेस्ट हम ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, तकरीबन 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा ज्यादा है। और अदरक जो है हम 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा कम इस्तेमाल करेंगे या 1 टेबलस्पून इस्तेमाल करेंगे। नमक चाहिए मुझे 1 टीस्पून और 1 टीस्पून ही मोटी कुटी हुई सुरख मिर्च चाहिए हमें। तो ये सारी चीजें चाहिए हमें चिकन ग्रेवी बनाने के लिए। तो अब हम चलते हैं इसे बनाने की तरफ, जो कि बड़ी जल्दी बन के तैयार हो जाएगी। सबसे पहले हम ऑयल डाल देंगे। ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म हुआ तो मैं इसमें डाल दूंगी चिकन। चिकन डालने के बाद हम इसकी 2 से 3 मिनट के लिए भुनाई करेंगे, या इतनी देर हम इसे भूनेंगे कि हल्का सा गोल्डन सा इसमें कलर आ जाए। उतनी देर हमने अच्छी तरह से इसको भूनना है। आप चाहें तो इसको चिकन के अलावा मटन और बीफ के साथ भी बना सकते हैं। जैसे कि अब बड़ी ईद आ रही है तो अगर आपने बीफ या मटन के साथ बनाना हो तो टमाटर की ग्रेवी बनाने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल ही इसमें टमाटर डाल दें 3 से 4 अगर, तो जैसे ही वो गल जाएंगे गोश्त के साथ तो उसके बाद उसके अंदर उसका छिलका जो है वो उतार लें। लेकिन चूंकि चिकन जो है वो जल्दी गल जाता है तो इसलिए मैंने यहाँ पे टमाटर की जो पेस्ट थी वो बना के इस्तेमाल की है। अब मैं इसको भून लूंगी तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए कि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। चिकन की भुनाई करते वक्त मुझे तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए। ये देखिए कितना अच्छा सा गोल्डन सा कलर आया। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी लहसुन और अदरक का पेस्ट, नमक और मोटी मोटी भी सुरख मिर्च, हल्दी और खुश्क धनिया का पाउडर और अब इसे मजीद भून लूंगी। अब इसकी इतनी देर भुनाई करेंगे कि जो लहसुन अदरक का पानी है ना ये अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। लहसुन अदरक के साथ थोड़ी देर मैंने इसको भून लिया। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी टमाटर की पेस्ट। टमाटर की पेस्ट डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद मैं इसमें 2 सब्ज़ मिर्चें डाल दूंगी और आंच को हल्का करके इसे कवर कर दूंगी। अब हल्की आंच पे मैं इसे कवर करूंगी तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, या इतनी देर के लिए कि टमाटर का जो पानी है वो खुश्क हो जाए। जब टमाटर का पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर नेक्स्ट स्टेप करेंगे, देखेंगे कि हमने नेक्स्ट क्या करना है। चिकन जो था वो अच्छी तरह से हमारा गल चुका है, इसकी थोड़ी सी अब इसमें कसर बाकी है। टमाटर का जो पानी था वो भी खुश्क हो चुका है। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी दही। दही डालते वक्त एक चीज का ध्यान रखना होता है कि दही जो है वो अच्छी तरह से फेंट के डाल लें। अगर फेंट के नहीं डालेंगे या अगर बहुत ज्यादा लो आंच पे आप दही डालेंगे तो इससे दही में जो गुठलियां होती हैं वो बन जाएंगी। तो इसलिए दही डाल के आंच को थोड़ी देर के लिए तो तेज करना है। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। मिक्स हो गया तो अब मैंने जो सब्ज़ मिर्चियों की कटिंग की थी वो इसके अंदर डाल दूंगी। जीरा, जीरा हाथ से मसल के मैं फिर इसमें डाल दूंगी। मैंने यहाँ पे भुना हुआ जीरा इस्तेमाल किया है। अगर हम जीरे को भून के इस्तेमाल करते हैं तो इससे बहुत ज्यादा मजे की खुशबू आती है। तेज आंच पे इसे पकाते हुए मुझे तकरीबन 1 मिनट हो गया है। अब मैं आंच लो करूंगी और इसे बिल्कुल हल्की आंच पे दम दे दूंगी।
और इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा सब्ज धनिया दम देने से पहले। अब इतनी ही ग्रेवी हो गई है जितनी के हमें चाहिए थी। अगर आपको ग्रेवी ज्यादा पसंद हो तो आप बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे दम दें। मैंने थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे इसको दिया था क्योंकि मुझे ग्रेवी जो है वो थोड़ी सी कम चाहिए थी। चूल्हा में कर देती हूँ बंद और इसे हम करते हैं डिश ऑफ। खुशबू बहुत ज्यादा मजे की आ रही है। अब ये देखिए हमने इसमें कोई भी ज्यादा मसाले या कोई ऐसी चीज इस्तेमाल नहीं की क्योंकि गर्मी है और गर्मियों में बहुत ज्यादा मिर्च और मसाला खाने को दिल नहीं कर रहा होता, तो इसलिए मैंने इसे बिल्कुल लाइट लाइट सा ही रखा है। ये देखिए कितना मजे का लग रहा है। अगर आज की बहुत ही मजे की यम्मी सी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।